हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग में यूज होते हैं, जो भी नंबर्स काउंटिंग में यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि मैंने बोला कि जो काउंटिंग में यूज़ करते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये काउंटिंग नंबर्स है, तो ये नेचुरल नंबर हुए। यहाँ ध्यान ये रखना, ये 1.1, 1.2, 1.3 ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, क्योंकि आंसर होगा 1। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोलेंगे 100, तो प्लस 1 किया तो 101, वो उसके बाद का नेचुरल नंबर हो गया, तो ये आपको इनफाइनाइट जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो क्या होगा? 1 होगा। अब हमने 8th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको दो नेचुरल नंबर को ऐड करना है, अगर मैं बोलूं 2 + 3 तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 5। तो 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, जो रिजल्टेंट 5 मिल रहा है वो भी नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स कि ये एडिशन के लिए, मैंने 2 + 3 मतलब 2 और 3 को ऐड किया, 2 + 3 किया तो मुझे 5 मिल रहा है। तो ये नेचुरल नंबर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि जब मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्टेंट भी क्या मिल रहा है? नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 × 3 तो क्या मिलेगा मुझे? रिजल्टेंट 6। जब मैंने 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6 मिल रहा है। तो 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 6 भी नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स कि ये जो नेचुरल नंबर है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, अब जरा हम सब्ट्रैक्शन के लिए इसी को चेक करें। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 - 3 तो रिजल्टेंट 2 मिलेगा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 - 5 तो क्या मिल रहा है? 0। अब 0 हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि 5 - 5 0, 4 - 4 0, 3 - 3 0 मिल रहे हैं, तो मुझे 0 की ज़रूरत है। तो मैंने इस नंबर सिस्टम में अपने नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया, और 0 को इंक्लूड किया तो नेचुरल नंबर्स प्लस 0, इसको कंबाइन फॉर्म में कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो हमारे पास एक नया सेट आ गया जिसको हम बोलेंगे होल नंबर। ओके, इस होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या हो गए? ये होल नंबर्स है। अब आप देखिए, जैसे ही हम आगे बढ़े हैं, जब मैं इसमें होल नंबर की बात कर रहा हूँ, मैंने इसमें 0 और इंक्लूड कर दिया है, तो इसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल नंबर सभी इंक्लूडेड है। अब जरा हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशन के लिए देखें तो 2 + 3 5, 2 भी होल नंबर है, 3 भी है, 5 भी होल नंबर है, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लीकेशन की बात करें 2 × 3 6, 2 भी, 3 भी और 6 सभी होल नंबर है, बिल्कुल ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ 5 - 2 3 ठीक है, 5 - 5 0 वो भी होल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 2 - 5 तो 2 - 5 क्या मिलेगा? -3। और -3 टाइप के नंबर हमारे इसमें इस सेट में अवेलेबल नहीं है, सेट में नहीं है, तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ा, तो हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया, तो हमारा सेट और बड़ा हो गया ये। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। उसको बोलेंगे हम इंटीजर। इसके सेट्स को हम जनरली आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ओके, अप टू इनफाइनाइट। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोलता हूँ, अब देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ये जो नेचुरल नंबर है होल नंबर में सभी इंक्लूडेड थे, अब ये पूरा होल नंबर देखिए यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो इंटीजर्स का जो सेट्स है उसमें सभी होल नंबर इंक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 बोलता हूँ, ये नेचुरल नंबर का सेट है,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, उसमें जीरो को आप इंक्लूड करोगे। अगर मैं बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप बोलोगे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन। अगर मैं बोलूंगा आपसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बोलोगे जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ठीक है, अगर मैं आपसे केवल बोलता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, देन आप वन से स्टार्ट करोगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अगर मैं बोलूंगा नेगेटिव इंटीजर, देन आप बोलोगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है, अप टू माइनस इनफाइनाइट। अब हम इस पे जरा क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ टू प्लस थ्री फाइव, बिल्कुल ठीक है, इंटीजर्स है। अगर मैं टू इंटू थ्री करूँगा सिक्स, मल्टीप्लाई के लिए भी सेटिस्फाई कर रही है। माइनस टू इंटू माइनस थ्री करता हूँ तो माइनस सिक्स, माइनस सिक्स भी इंटीजर है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँगा थ्री, थ्री माइनस टू तो वन मिलेगा, वो भी इंटीजर है। अगर मैं टू माइनस टू जीरो, बिल्कुल ठीक है। टू माइनस थ्री बोलूँगा देन माइनस वन मिलेगा, वो भी इंटीजर है। तो इस तरह हम देख रहे हैं, देखिए एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा हम डिवीजन के लिए इसको चेक करें। अगर मैं आपसे बोलूँ सिक्स डिवाइडेड बाई टू, तो सिक्स इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये रिजल्टेंट थ्री, वो भी इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ फाइव डिवाइडेड बाई टू, तो फाइव डिवाइडेड बाई टू कर रहा, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, टू पॉइंट फाइव, फाइव बाई टू। तो जो फाइव बाई टू आ रहा है वो कहीं टू पॉइंट फाइव या फाइव बाई टू इस टाइप्स के नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये डिवीजन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो हमारा इंटीजर का सेट है वो डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें इस टाइप्स के नंबर 2/3, 5/3, 9/8, इस टाइप्स के नंबर को भी हमने अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर लिया, इस सेट्स में उसको इंक्लूड कर दिया, तो इनको आप बोलेंगे हम रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। इसको जनरली हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ठीक है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसे सभी नंबर जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, वो सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर होगा। ध्यान ये रखना है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जीरो से डिवीजन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकते, उसके अलावा हम सारे नंबर ले सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो टू बाय थ्री, देखिए इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, ये टू बाय थ्री, फाइव बाय नाइन, माइनस सेवन बाय फोर, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूँ केवल फाइव, तो ये भी रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके मैं फाइव बाय वन लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ जीरो, तो जीरो भी रैशनल नंबर है, इसको मैं जीरो बाय वन, जीरो बाय टू, पी बाय क्यू फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। तो देखिए, जैसे जैसे हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, आप देखिए, जब मैंने होल नंबर की बात की थी तो सभी नेचुरल नंबर उसमें इंक्लूडेड थे, जब मैं इंटीजर की बात कर रहा था तो इसके अंदर सभी होल नंबर और सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। इस तरह जब मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। तो ऐसे सभी नंबर जिसको हम पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें सिर्फ डेसिमल वाले नंबर है, अब वो भी इसमें इंक्लूड है। जैसे 5 बाई टू, तो 5 बाई टू कितना हो जाएगा, 2.5, 3 बाई टू, 1.5, तो डेसिमल वाले नंबर भी इसके अंदर सभी इंक्लूडेड है। तो ऐसे सभी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या हो गए, रैशनल नंबर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसे सभी नंबर जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होगा, रैशनल नंबर। इसका मतलब कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होंगे, उस नंबर को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को जनरली हम क्या करते हैं, क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश। इसके एग्जांपल होंगे लाइक रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स है, इनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो देखिए, अब हमें जो रैशनल नंबर्स हैं, इस रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सभी इंक्लूडेड हैं। इस तरह से हमें ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा हमारा नंबर सिस्टम, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो
तो रैशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर, ओरिजिन नंबर को हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अगर इनको हम क्लब कर दें, इनको एक साथ बोलें, तो इनको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इनको क्या बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में? रियल नंबर्स।